नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। बुलेट ट्रेन आने में भले ही 7 साल लगे, लेकिन रेल मंत्रालय जल्द ही देश में ऐसी ट्रेन लाने की तैयारी कर रहा है जो पटरियों पर नहीं दौड़ेगी बल्कि हवा में उड़ती हुई नजर आएगी। जी हां, बुलेट से भी 2 कदम आगे है मैग्लेव ट्रेन। 1 घंटे में 500 किलोमीटर का सफर तय करने वाली मैग्लेव ट्रेन पर क्यों है पीएम मोदी की नजर, देखिए हमारे संवाददाता समीर दीक्षित की ये खास रिपोर्ट। भारतीय रेलवे देश में बुलेट ट्रेन के सपने को हकीकत में बदलने के लिए जोर शोर से कोशिश में जुटी है। बुलेट ट्रेन के लिए अब तक की कामयाब कोशिशों का ही नतीजा है कि सरकार अब जल्द ही देश में हवा में चलने वाली ट्रेन लाने की तैयारी कर रही है। हवा में चलने वाली ये बेहद खास ट्रेन है मैग्लेव ट्रेन। मैग्लेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रेन को रेल मंत्रालय देश में 100-200 नहीं बल्कि 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने का मन बना रहा है। ट्रेन का जमीन के साथ कोई संपर्क नहीं रहेगा। अगर लेविटेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी की ट्रेन अगर आती है तो वो हवा से, मतलब उसका एयर कुशन पे चलती है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। ये उम्मीद की जाती है कि जितनी बुलेट ट्रेन की जो कॉस्ट आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर करीब करीब उसी के आसपास आना चाहिए। मैग्लेव ट्रेन अगर देश में दौड़ती है तो लंबी दूरी का सफर महज चंद घंटों में तय हो सकेगा। मसलन मैग्लेव ट्रेन में बैठकर आप महज 5 घंटे में दिल्ली से करीब 1400 किलोमीटर दूर मुंबई तक का सफर तय कर सकेंगे। इस हसीन सपने को जल्द हकीकत में बदलने के लिए रेल मंत्रालय तेजी से कदम उठा रहा है। रेल मंत्रालय ने मैग्लेव ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी कर दिया है जो 6 सितंबर को खुलेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 3 विदेशी कंपनियों ने दिलचस्पी भी जताई है, जिसमें 2 अमेरिका से हैं जबकि 1 कंपनी जापान से है। इसके बाद मंत्रालय टेंडर जारी करके कंपनी को आमंत्रित करेगा। खास बात यह है कि मैग्लेव ट्रेन अपने आप में एक अलग प्रोजेक्ट होगा जिसका सीधे तौर पर भारतीय रेलवे से कोई कनेक्शन नहीं होगा। इस ट्रेन को चलाने का जिम्मा पूरी तरह से एक सिलेक्टेड कंपनी का ही होगा जिसे ट्रेन संचालन से लेकर स्टेशन, टिकटिंग और रखरखाव सब देखना होगा। रेलवे इस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी पार्टनर होगा। मैग्लेव ट्रेन को लेकर रेलवे विदेशी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी भी बना सकती है। जहां तक उसके ट्रेवल, उसके उसके ऑपरेशन का खर्च कितना होगा, जो क्लेम किया गया है कि ऑपरेशन का खर्च कम है, लेकिन वो सब अभी तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है। हमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग आते हैं और अपनी क्या क्या टेक्नोलॉजी लाते हैं और तब हम लोग उसको वर्कआउट करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि इसमें भारतीय रेल एक टेक्नोलॉजी पार्टनर रहे। मैग्लेव ट्रेन सिस्टम के लिए रेल मंत्रालय ने जो टेंडर आमंत्रित किया है उसके मुताबिक भारत सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जमीन देगी और संबंधित कंपनी को एलिवेटेड ट्रैक डिजाइनिंग, मैग्लेव ट्रेन सिस्टम की डिजाइनिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन का जिम्मा खुद उठाना पड़ेगा। इसके लिए 200 से 500 किलोमीटर के ट्रैक के लिए टेंडर भरने वाली कंपनी को योजना देनी होगी और 10 से 15 किलोमीटर के ट्रैक पर अपने मैग्लेव ट्रेन सिस्टम को चलाकर दिखाना होगा। इस ट्रेन को 400 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। इंसान की फितरत है कि उसकी चाह, उसकी जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती। एक खत्म होती है तो दूसरी जाग उठती है। कुछ ऐसा ही मोदी सरकार के साथ भी दिख रहा है। बुलेट ट्रेन का सपना हकीकत की राह चला ही था कि मैग्लेव ट्रेन या यूं कहे उड़ती ट्रेन का सपना देशवासियों को थमा दिया गया है। इस सपने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि आज भी देश का आम रेल यात्री मौजूदा रेल व्यवस्था और उसकी तमाम सुविधाओं को दुरुस्त करने की ज़्यादा गुजारिशें करता है और यकीनन इस पर ध्यान भी दिया जाना चाहिए। कैमरामैन सदाशिव के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। आगे कैसे और किस तकनीक पर चलती है मैग्लेव ट्रेन और क्यों इसे हम उड़ती ट्रेन कह रहे हैं, यही नहीं दुनिया में कहां कहां मैग्लेव ट्रेन दौड़ रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय रेल को नई उड़ान देने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। खासकर ट्रेन की सुस्त रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए सरकार टेल्को बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इससे भी आगे सरकार मैग्लेव ट्रेन को लाने की योजना पर काम शुरू कर चुकी है।
हवा से बातें करने वाली मैग्लेव ट्रेन का नाम दरअसल इसकी तकनीक मैग्नेटिक लेविटेशन से पड़ा है। मैग्नेटिक लेविटेशन में मैग्नेटिक पोल साइंस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे ट्रेन की पटरियों और पहियों के बीच मैग्नेटिक फोर्स पैदा होता है और जब ट्रेन दौड़ती है तो इस मैग्नेटिक फोर्स के चलते ट्रेन पटरी से 1 से 6 इंच ऊपर उठ जाती है, या आसान शब्दों में कहें तो ये ट्रेन हवा में चलती है। ऐसे में फ्रिक्शन कम होता है और ट्रेन के लिए 500 किलोमीटर या उससे ज्यादा स्पीड हासिल करना आसान हो जाता है। यही वजह है कि मैग्लेव ट्रेन को हम हवा में उड़ने वाली ट्रेन कह रहे हैं। ये जो ट्रेन का जमीन के साथ कोई संपर्क नहीं रहेगा, अगर लेविटेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी की ट्रेन अगर आती है तो वो हवा से, मतलब वो उसका एयर कुशन पे चलती है, चाहे वो मैग्नेटिक हो, मैग्नेटिक में वो मैग्नेटिक रिपल्शन या मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से वो हवा में उड़ जाती है, जिसकी वजह से चलती है। व्हील्स उसमें होते जरूर, चक्के होते हैं, लेकिन चक्के पे ट्रेन चलती नहीं। रेल मंत्रालय की योजना है कि मैग्लेव ट्रेन का इस्तेमाल न केवल पैसेंजर्स के लिए बल्कि माल ढोने के लिए भी किया जाएगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक देश में जो तकनीक लाई जा रही है वो मैग्लेव इंट्रैक्शन तकनीक होगी। रिपल्शन तकनीक पर चलने वाली ट्रेन महंगी होती है, लिहाजा इसे इंट्रैक्शन तकनीक पर चलाने की योजना है। मैग्लेव ट्रेन की राह में सबसे बड़ी चुनौती है इसको बनाने में आने वाली लागत। यही वजह है कि दुनिया के तमाम दिग्गज देश मैग्लेव ट्रेन से अब तक परहेज करते आए हैं। इस बात को यूं समझिए कि बुलेट ट्रेन की ही तरह मैग्लेव ट्रेन के लिए 1 किलोमीटर का ट्रैक बिछाने में 100 से 150 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बाकी का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दुनिया भर में मैग्लेव ट्रेन की तकनीक चुनिंदा देशों के पास ही है, जर्मनी, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। फिलहाल सिर्फ चीन, दक्षिण कोरिया और जापान में ही मैग्लेव ट्रेन की कमर्शियल सर्विस है। पूरी दुनिया में चीन में सबसे लंबी दूरी की मैग्लेव ट्रेन सर्विस दी जा रही है। सबसे तेज चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का रिकॉर्ड जापान के पास है, जहां इसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। जर्मनी के पास मैग्लेव की सबसे उम्दा टेक्निक है। खास बात यह है कि मैग्लेव तकनीक इजाद करने वाले ब्रिटेन में इसे नहीं चलाया गया। मैग्लेव तकनीक से ट्रेन चलाने का सपना जर्मनी, यूके और अमेरिका जैसे देशों ने देखा, लेकिन तकनीकी कुशलता के बावजूद इसकी लागत और बिजली की खपत को देखते हुए ये सफल नहीं रही। देश में बुलेट ट्रेन के सपने को हकीकत में बदलने के लिए साल 2023 का लक्ष्य रखा है, लेकिन सरकार बेचैन है बुलेट ट्रेन से पहले मैग्लेव ट्रेन या यूं कहें उड़ती हुई ट्रेन को देश में लाने के लिए। सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है कि भारतीय रेलवे की छवि को सुधारा जा सके और रेलवे रेंगती हुई नहीं बल्कि दौड़ती हुई नजर आए। कैमरामैन सदाशिव के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी का विजन देश में हाई स्पीड ट्रेन चलाने का है, इस पर तेजी से काम भी चल रहा है। बुलेट ट्रेन मैग्लेव के बाद हाइपर लूप ट्रेन की बारी है, यानी ऐसी ट्रेन जिससे आप दिल्ली से मुंबई का करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय कर सकेंगे केवल 1.25 घंटे में। यकीन नहीं होता तो देखिए यह रिपोर्ट। प्लेन से तेज ट्रेन, बुलेट ट्रेन को छोड़ा पीछे, बुलेट ट्रेन का बाप 1224 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रफ्तार एक प्लेन की औसतन रफ्तार से कहीं ज्यादा है। ऐसे में इस स्पीड को हासिल करना फिलहाल एक सपना भर लगता है, लेकिन आने वाले वक्त में ये हकीकत होगा। खास बात यह है कि ये किसी प्लेन की रफ्तार नहीं है, ये स्पीड होगी उस ट्रेन की जो तोड़ देगी सारे पुराने रिकॉर्ड। अभी तक तो बुलेट ट्रेन को पटरी पर सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन के तौर पर माना जाता है, लेकिन जल्द ही इसकी जगह हाइपर लूप ले लेगी। अमेरिका में हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च किया जा रहा है, और अगर ये सफल रहा तो अमेरिका में लॉस एंजलिस से करीब 615 किलोमीटर दूर सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचने में महज 30 से 35 मिनट का वक्त लगेगा। इस ट्रेन से जुड़ा पहला टेस्ट कामयाब भी रहा, 2018 तक इसे पटरियों पर दौड़ाने की तैयारी है।
स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला मोटर्स के मुख्य कार्यकारी एलन मस्क के इस ड्रीम प्रोजेक्ट हाइपर लूप में दुनिया भर के 100 से ज्यादा इंजीनियर काम कर रहे हैं। हाइपर लूप तकनीक के जरिए ये ट्रेन चलेगी और ये ट्यूब के अंदर से गुजरेगी, जिसमें कम से कम हवा होगी ताकि फ्रिक्शन बेहद कम हो, और उसके भीतर मूव करने वाली कैप्सूल करीब 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक ट्रैवल कर सके। इसकी एक बड़ी खासियत ये होगी कि इस पूरे सिस्टम को सोलर पैनल के जरिए ऊर्जा मुहैया कराई जाएगी। इस कैप्सूल में एक बार में 6 से 8 व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं और हर कैप्सूल को 30 सेकंड के अंतराल पर चलाया जा सकता है। कैप्सूल के आगे स्थित हवा ही इस कैप्सूल की एकमात्र अवरोधक है, जिसे दबाव के जरिए पीछे हटाया जाएगा। इस तकनीक को विकसित करने के लिए लंबे वक्त से प्लान किया जा रहा था। तकनीक पर काम करने वाले इंजीनियर इस बारे में विचार कर रहे हैं कि एक ऐसी ट्रेन होनी चाहिए जिसे ट्यूब के भीतर ज्यादा से ज्यादा हवा को हटाते हुए चलाया जा सके, क्योंकि हाइपरलूप कैप्सूल में पहियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसलिए इस सिस्टम को लेविटेट कराने के लिए चुंबकीय फील्ड जनरेट किया जा सकता है। इसके लिए फिलहाल अमेरिका के 50 शहरों को हाइपरलूप सिस्टम के जरिए ट्रांसपोर्ट सेवा मुहैया कराने के लिए चर्चा भी की गई। यानी जल्द ही आपको प्लेन की टेक ऑफ और लैंडिंग में होने वाली परेशानी को नहीं झेलना पड़ेगा और ना ही आपको ट्रेन की यात्रा के दौरान होने वाली दिक्कतें परेशान कर पाएंगी, यानी आप कर पाएंगे एक सुखद और आरामदायक यात्रा। और वो दिन दूर नहीं जब चेन्नई से बेंगलुरु आधे घंटे और दिल्ली से मुंबई का करीब 2000 किलोमीटर का सफर केवल 1.25 घंटे में तय करना मुमकिन हो सकेगा। हाइपर लूप ट्रेन इसे संभव करेगी। रेलवे ने इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। अमेरिका में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज कंपनी ने भारत को पहले मार्केट के तौर पर देख रही है। कंपनी जल्द ही भारत सरकार से हाइपरलूप टेक्नोलॉजी लाने के लिए बात करेगी। HTT और हाइपरलूप वन मिलकर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। HTT कैलिफोर्निया के क्वे वैली में 8 किलोमीटर का टेस्ट ट्रैक बना रहा है। ट्रैक 2019 में खोला जाएगा। कंपनी 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करने की उम्मीद कर रही है। 500 किलोमीटर की दूरी के लिए टिकट की कीमत करीब 2000 रुपए हो सकती है।